दोस्तों बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर आज किसी भी तरह की पहचान के मोहताज नहीं, जो अपनी बेहतरीन एक्टिंग और खूबसूरती को लेकर काफी जाने जाते हैं। इनके फिल्मी करियर में काफी फ्लॉप फिल्में भी रहीं, लेकिन जो फिल्म हिट हुई वो काफी ज्यादा ब्लॉकबस्टर हुई। आज हम बात कर रहे हैं इनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म विवाह के बारे में, जिसके निर्देशक सूरज बड़जात्य थे। बता दें कि इस फिल्म को मामूली बजट 8 करोड़ में बनाया गया था, इसके बावजूद इस फिल्म ने 50 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया। आपको इस फिल्म में वो अभिनेत्री तो याद होगी जिसने इस फिल्म में पूनम का किरदार निभाया। इस फिल्म में उन्होंने शानदार अभिनय दिखाया था, जिसके बाद लोग उन्हें पूनम के नाम से जानने लगे थे। जी हाँ दोस्तों, विवाह मूवी की इस अभिनेत्री के लिए वीडियो पर लाइक तो बनता ही है ना। आपको बता दें कि इस अभिनेत्री का असली नाम अमृता राव है। बता दें कि इस फिल्म को आए काफी साल हो गए और आज भी अमृता पहले से ज्यादा खूबसूरत दिखाई देती हैं। अमृता का जन्म 7 जून 1981 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। अमृता की एक बहन भी है जिसका नाम प्रतीका राव है और वो भी मॉडल और बॉलीवुड एक्ट्रेस है। वैसे अमृता ने बॉलीवुड की काफी बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया है, लेकिन फिल्म विवाह से उन्हें काफी पहचान मिली। अमृता राव की बड़ी फिल्में कुछ इस तरह हैं, जिनमें से मैं हूं ना, मस्ती, जोली LLB प्रमुख फिल्में। बॉलीवुड फिल्मों के अतिरिक्त उन्होंने साल 2009 में स्टार प्लस के धारावाहिक परफेक्ट राइड में एक जज के तौर पर भी काम किया। इसके बाद वो साल 2016 में वो मेरी आवाज ही पहचान है में भी नजर आई और तब से वो टीवी जगत से दूर हैं। तो दोस्तों, अगर आपने विवाह फिल्म देखी है तो हमें कमेंट बॉक्स में यस लिख के जरूर बताइएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।